Hello dear friends, dear viewers, it's Riaz malar RP Zone, Langit, here for class 10th, subject to Mathematics, and uh, the, uh, the chapter, the title of the chapter is Circles, it's 10th chapter, today we are going to do theorem number 1st, the statement of theorem is, द टेंजेंट टू ए सर्कल द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज पोपेंडिक्यूलर टू द रेडियस थ्रो द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हमारे पास एक सर्कल है इसका एक टेंजेंट है ए बी से ए बी एक टेंजेंट इसका है ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ओप ये जो ओ पी है ये पी जो है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है टेंजेंट का सर्कल के साथ तो हमें यह प्रूव करना है कि ये ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी ये जो ये जो हमारे पास ये जो ओ पी है ये रेडियस भी है और पी जो है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टू एदर टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल हमें ये बताना है कि ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर है सर्कल के मतलब ए बी टेंजेंट टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर है हम इसमें क्या करते हैं हमें गिवन है We have a circle, a circle, a circle with center, a circle C with center O and radius R and tangent AB and tangent AB, tangent AB at point P, point P is a contact point of contact. विद P एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक पॉइंट हमें इसे प्रूव क्या करना है हमें प्रूव यह करना है ये जो ओ पी है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर हम इसमें बाबा कंस्ट्रक्शन करते थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं टेक एनी पॉइंट टेक एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट हम ले ऑन ए बी टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी अदर देन पी के बगैर कोई भी पॉइंट आप लीजिए अदर देन पी ऑन द टेंजेंट ऑन द टेंजेंट ए बी हम क्या करेंगे यहां पर हमें एक पॉइंट लेना है ए बी पर ये जो टेंजेंट है इस ए बी पर पी के बगैर पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के बगैर कोई भी पॉइंट आप लीजिए ए बी पर और इसको ज्वाइन कीजिए ज्वाइन हमने लिया कि ये ओ क्यू है मतलब क्यू है एक पॉइंट जो अदर देन पी है अब जॉइन ओ पी ओ क्यू ज्वाइन ओ क्यू इसको हम ज्वाइन करते हैं इसको आप करते हैं ज्वाइन ये जो इसके साथ करने ये पॉइंट बनाता है इसका नाम रखेंगे कैपिटल आर ओके अब हम प्रूफ करते हैं प्रूफ हम इजीली करेंगे सिंस क्यू इज ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन पी अदर देन पॉइंट ऑफ कंटैक्ट अदर देन पी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट सो क्यू जो है विल बी आउट साइड ओब्वियसली आउटसाइड सर्कल होगा लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट एट लेट ओ क्यू जो है इंटरसेक्ट विद सर्कल एट आर ये आर पर यह क्या करता है इंटरसेक्ट करता है बहुत ही आसान है अगर हम लिखेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू ओ आर प्लस आर क्यू ऑब्वियसली ये जो ओ क्यू है ये ओ आर प्लस आर क्यू के बराबर है ठीक ओ क्यू जो है ओ क्यू मतलब ये जो ओ क्यू जो है ये ग्रेटर देन ओ आर होगा फिर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर ये ओ क्यू जो होगा ग्रेटर देन ओ पी भी होगा क्योंकि ओ पी और ओ आर जो है ओ पी इज इक्वल टू ओ आर क्यों क्योंकि ये दोनों रेडिये है ये दोनों ओ आर और ओ पी जो है ये दोनों अब ऑफ द सर्कल का मतलब यह है ओ पी इज लेस देन ओ क्यू ओ पी जो है लेस देन इट मीनस दैट ओ पी इज देन ओ पी इज शॉर्टर शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट एनी अदर लाइन सेगमेंट Join joining O to any point AB to any point AB, but among all the line segments joining the OB, the shortest one is perpendicular from O on AB, it means that. But among, among all the line segmenters joining point O, you stick a line segment as you join as OP, but all, among all the lines uh, line segments joining the पॉइंट ओ ज्वाइनिंग दॉइंट ओ एम पॉइंट ओ point ए पॉइंट ऑन a बी टू ए पॉइंट ऑन ए बी जो भी लाइन सेगमेंट ओ से लेकर ओ बी तक जाएगा ये लाइन सेगमेंट ओ और ए बी को मिलाएगा वो कोई भी पॉइंट हो जो इनमें से शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के ऑब्वियसली ओपी पी इज शॉर्टेस्ट ऑफ शॉर्टेस्ट एवंग ऑल द लाइन सेगमेंट सो वी कैन से दैट ओपी पी इज परपेंडिक्युलर ऑन ए बी ये हमें प्रूव करना था इसमें जो शॉर्टेस्ट जो होगा इसमें शॉर्टेस्ट वन लाइन सेगमेंट जो भी सेंटर को सेंटर को इस टेंजेंट के साथ मिलाएगा जो इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट होगा हमने देखा ओ पी जो है लेस देन ये शॉर्टेस्ट है ओ की चाहे कोई भी पॉइंट आप ए बी पर लीजिए और ये जो मिलाएगा सबसे शॉर्ट इसमें ओ पी होगा और जो शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के और ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी दिस इज वट वी वे सपोज टू प्रूव टाइम الله حفيظ